हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शीन इंस्पायर्ड किमोनो, या फिर उसे हम श्रग भी कहते हैं, जो शीन पे बहुत ज़्यादा या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। बट ये मैं आपको सिर्फ 200 से भी कम के बजट में आप इसे इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ड्राफ्टिंग बता दूँ कि आपको उसको फोल्ड कैसे करना है कपड़े को। तो पेपर में बता रही हूँ, नॉर्मली जब हम बॉडीज़ को फोल्ड करते हैं तो एक बार फोल्ड करते दोबारा फोल्ड कर देते हैं, तो हमें सिर्फ एक साइड ओपन मिलती है। बट मैं ये एक्सटेंडेड स्लीव्स का किमोनो बना रही हूँ, इसलिए मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी जिससे हमें दो साइड जो है वो फोल्डेड मिल जाए। एक साइड जो ऊपर की तरफ होगी वो स्लीव्स होगी, एंड साइड की जो फोल्डेड पार्ट होगी वो हमारी बॉडीज की फोल्डेड पार्ट होगी। कुछ इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसे फोल्ड करके प्लेस कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे दो साइड यहाँ पर फोल्डेड मिली है और एक साइड ओपन मिली है। सो अब इसकी लेंथ मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पे 33 लिया है, जो ऑलमोस्ट मुझे कट फट के 30-31 के आसपास रेडी मिलेगी। तो एटलीस्ट 2 से 2.5 इंच आप भी लेंथ में लंबी कटिंग लीजिए, ताकि वो आपको 2 इंच तो एटलीस्ट आपको एक्स्ट्रा लेना होगा। फिर फोल्डेड साइड से हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे, एंड उसके बाद वहाँ से हम अपना आर्म होल्स लेंगे। हमें कोई भी यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, सिर्फ हम मेजरमेंट ले रहे हैं कि हमारा आर्म होल्स कितना है। फिर उस हिसाब से आपको जितनी ब्रॉड स्लीव्स चाहिए उतनी ब्रॉड आप स्लीव्स लेकर आर्म होल के साथ आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं लाइन। फिर चेस्ट का एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, एंड उसके बाद वहाँ से हम स्लीव्स ले लेंगे जितनी मुझे चौड़ी स्लीव्स चाहिए। मैं यहाँ पे बना रही हूँ 12 इंच की चौड़ी स्लीव, तो मैं 12 इंच पे ऊपर से पॉइंट ड्रॉ करके मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आर्म होल्स तक ले लूँगी। सो ये हो गया हमारे स्लीव्स के पार्ट का। अब रैंडमली हम यहाँ पे कमर का भी मेजरमेंट ले लेंगे कि 7 इंच पे तो हमारी कमर आती है, पर ये जो किमोनो और श्रग होता है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, तो मैं 5 इंच के एटलीस्ट लूजिंग रखते हुए मैं यहाँ पर कमर का भी एक शेप ले लूँगी। एंड वहाँ से नीचे जितनी भी आपकी लेंथ है वहाँ पर इस तरीके से हल्का सा स्लांट लाइन में आपको यहाँ पर मार्किंग ले लेनी होगी। स्लेट लाइन भी आप ले सकते हैं, मैंने हल्का सा स्लांट लाइन ही, ताकि जो प्रॉपर आपको यहाँ पर फिटिंग मिल सके। उसके बाद हम इन सभी मार्किंग एरियाज को हमें कट कर लेना होगा, स्लीव्स एंड साइड की मार्किंग एरिया को हमें यहाँ पे कट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा डार्क लाइन कर दी, ताकि जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ से आपको कटिंग करनी है। सो यहाँ मैंने कट कर लिया है, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते होंगे। सो यहाँ मैंने कट कर लिया है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, एंड हमारी ये एक्सटेंडेड स्लीव्स की जो कटिंग है वो पूरी श्रखी वो हो गई है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेक एरिया की कटिंग करनी होगी, तो मैं 2 इंच रखूँगी बैक साइड का नेक एंड फ्रंट का 4 इंच का। तो सबसे पहले हम कट कर लेंगे बैक का 2 इंच का नेक, उसके बाद हम कट करेंगे फ्रंट का। तो पहले 2 इंच का बैक का कट कर लेंगे एंड इसे ओपन करेंगे, एंड जो एक्सटेंडेड स्लीव्स का पार्ट है उसे भी ऊपर से कट कर देंगे, ताकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, एंड स्लीव्स भी हम यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर सके। सो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद बैक का फैब्रिक हमें यहाँ से हटा देना होगा, एंड फ्रंट के फैब्रिक को एक बार फिर हम फोल्ड कर लेंगे, एंड फोल्ड करने के बाद नेक का एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे 2 इंच बैक फ्रंट के फैब्रिक में, एंड उसे फ्रंट से कट कर लेंगे 2 पीस में, ताकि वो श्रग के फॉर्म में मिल जाए हमें। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद अब इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे अपना बैक साइड का फैब्रिक, एंड उसी का उससे भी हम स्लीव्स जो है फ्रंट एंड बैक दोनों की शोल्डर के साथ स्लीव्स की पूरी लेंथ यहाँ पर हमें जॉइन कर लेनी होगी, एंड साइड की भी फिटिंग हम यहाँ पे दे देंगे, जिससे कि हमारा ये जो श्रग है वो पूरी तरीके से एक श्रग किमोनो के फॉर्म में हमें मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये इस तरीके से आपको लगेगा आप जो फ्रंट की ओपनिंग है एंड नेक का जो पार्ट है, इसे भी आप आधा इंच फिर आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए यहाँ पर जो है वो उसे हेम कर दीजिएगा, ताकि उससे एक अच्छा सा नीट लुक क्रिएट हो सके। तो इसीलिए हमें उस पार्ट को भी यहाँ पर हेम कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ मैंने ये भी पार्ट हेम कर लिया, एंड काफ़ी अच्छा हेमिंग के बाद बहुत अच्छा गैप जो है वो बीच में हमें मिल जाए
जाएगा एंड ये बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ मैंने कर लिया है एंड ऑलमोस्ट रेडी है। अब थोड़ी सी डिटेलिंग देने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टैसल्स की लेस। ये कलरफुल टैसल की लेस है जिसे आपकी जो वाइट स्ट्रैप्स पे है इसी वाइट स्ट्रैप ऊपर की तरफ से मैं स्लीव्स में अटैच कर लूँगी जिससे जो टैसल है वो नीचे फ्लो हो इस तरीके से एंड नीचे का जो हिस्सा होगा वहाँ पर भी मैं ऑल अराउंड इस तरीके से यहाँ पर भी टैसल्स लगा लूँगी। तो बहुत ईजिली मशीन से लग जाते हैं तो मैंने यहाँ लगा लिया एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यानी इसे बनाने के लिए मुझे लगे हैं सिर्फ 1.5 मीटर का फैब्रिक एंड ये जो लेस है बहुत चीप मिल जाती है मार्केट में, यू नो 10 रुपये मीटर से मिल जाती है एंड ये पूरा श्रग जो वो रेडी हो गया 150 रुपीज़ का एंड ये जो ऑनलाइन आप कहीं भी चेक करेंगे ये प्लस 1000 रुपीज़ में मिलता है। एंड तो आप सोच सकते हैं अगर आप इसे घर में प्रिपेयर करेंगे तो आपको कितने कम बजट में ये रेडी हो जाएगा एंड बहुत प्यारा लगता है। इसे फिलहाल मैंने पेयर अप किया है डेनिम के साथ एंड क्रॉप टॉप के साथ। आप इसको लॉन्ग टी शर्ट के साथ भी, अगर आपके स्लीवलेस टी शर्ट है तो उसके साथ भी आप इसे वेयर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे यू नो अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप बीच पे जा रहे हैं और आपने कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसा पहना है तो उसे भी आप इसे वेयर कर लीजिए एंड एक वेस्ट के अराउंड बेल्ट टाई कर लीजिए एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा बीचेस के लिए भी, यू नो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरा आइडिया पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।